हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर बेबी गर्ल के लिए एक फ्रॉक बनाई है जो 6 मंथ से 1 ईयर तक के लिए है। ठीक है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर देखिए चैन बनाई है। देखिए यहाँ पर मैंने चैन बनाई है, तो मैंने यहाँ पर 75 चैन बनाई है। देखिए मैंने, देखिए यहाँ पे टोटल 75 चैन बनाई है। अब हम क्या करेंगे, 2 चैन छोड़कर तीसरी वाली चैन में डालकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह। चैन को काउंट किया, हमारे पास 2 डबल क्रोशिया हो गया। और फिर इसके पास वाली में यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके पास वाली में बनाएंगे, तो टोटल हमें 10 डबल क्रोशिया बनानी है। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया बना लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसके देखिए फिर वापस इसी में डालकर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, वापस इसी चैन में डाल के। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉर्नर बनाएंगे। ठीक है, तो 2 चैन लेंगे और वापस इसी में डालकर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फिर से वापस इसी में डालकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमें एक कॉर्नर में क्या करना है, एक ही चैन में 4 बार डबल क्रोशिया बनानी है। ठीक है, अब देखिए अब वापस से क्या करेंगे, इसके पास वाली चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो यहाँ पे हमें टोटल 20 डबल क्रोशिया बनानी है। यहाँ पे हमें टोटल 20 डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए इस तरीके से कॉर्नर बन के आएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे टोटल 20 डबल क्रोशिया बना लिए। अब जैसे सेम वैसे ही करना है जैसे हमने फर्स्ट वाले कॉर्नर में किया था। देखिए इसके पास वाली चैन में डालकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसी में डालकर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, 2 चैन लेंगे और वापस से इसी में डालकर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, इसी चैन में डालकर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से, तो प्लीज़ अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइए आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है। और मैंने अपने चैनल पे नए नए वीडियो बनाकर डाली है, मतलब नए नए कार्डिगन कैप बहुत सारी वीडियो बनाकर डाली है। आप चाहे तो मेरे चैनल को ओपन कर भी देख सकते हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, फिर से टोटल 20 डबल क्रोशिया बनाएंगे कॉर्नर बनाने के बाद। देखिए हमने फिर से 20 डबल क्रोशिया बनाए, अब वापस से फिर से ऐसे ही इसी तरीके से कॉर्नर बनाएंगे। देखिए एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर वापस इसी में डालकर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे और 2 चैन 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, देखिए 2 चैन बनाई, वापस इसी में डालकर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए हम वापस फिर से 20 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, देखिए
देखिए यहाँ पे हमने 10 बनाए, यहाँ 20 बनाया, फिर यहाँ 20 बनाया, फिर यहाँ 20 बनाया, अब हमने यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया बनाया। तो देखिए इस तरीके से आएगा ये, इस तरीके से, ठीक है। देखिए इस तरीके से, अब देखिए हम क्या करेंगे, 3 चैन बनाएंगे, सॉरी 4 चैन बनाएंगे, और देखिए एक चैन छोड़कर दूसरी वाली चैन में डालकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। देखिए एक चैन छोड़कर दूसरी वाली चैन में डालकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर से एक चैन लेंगे, फिर एक चैन छोड़ेंगे और दूसरी वाली चैन में डालकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पूरे राउंड को हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है कॉर्नर तक। फिर कॉर्नर में क्या करना है मैं आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए एक चैन लेके, एक चैन छोड़ के दूसरी वाली चैन में डालकर एक डबल क्रोशिया बनानी है। अब फिर से एक चैन लेंगे, देखिए इस तरीके से जाली बनकर आएगी। अब देखिए फिर से, देखिए कॉर्नर में हमें क्या करना है, देखिए कॉर्नर में हमें क्या करना है, एक बार चैन लेंगे, देखिए इस तरीके से, ठीक है। दो, फिर वापस एक चैन, दो चैन बनाएंगे और इसी में डालकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए इस तरीके। फिर एक चैन लेंगे और वापस इसी में डालकर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए इस तरीके से। फिर से एक चैन लेंगे, देखिए इसके पास वाली में डालकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमें हर कॉर्नर में इसी तरीके से करना है, फिर आगे मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमने फिर से ऐसे कर लिया। अब हमें क्या करना है, देखिए 3 चैन बनाएंगे। अब जो हमने ये जाली बनाई है, इन फंदों को हमें कम पूरा करना है, ठीक है। तो एक फंदा देखिए हम जाली में बनाएंगे, देखिए एक डबल क्रोशिया जाली पे बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। देखिए एक डबल क्रोशिया हमें जाली में बनाना है और एक जो हमारी डबल क्रोशिया है उसी के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो जितने भी फंदे हमारे कम हुए थे वो सारे पूरे हो जाएंगे। देखिए हमें कॉर्नर में क्या करना है, हमें दो बार डबल क्रोशिया बनाकर दो चैन लेकर वापस उसी में दो बार डबल क्रोशिया बनानी है, ठीक है। कॉर्नर में हमें सेम वैसे ही करना है जैसे हमने फर्स्ट राउंड में किया था। Thank you.
अब देखिए फिर से हम चार चैन लेंगे, फिर से चार चैन लेंगे और देखिए एक चैन छोड़कर सेकंड वाली चैन में, जैसे हमने सेकंड वाला राउंड बनाया था सेम वैसे ही हमें ये वाला राउंड बनाना है। देखिए एक चैन छोड़कर एक चैन लेके फिर से वापस से इसी में डालकर एक डबल क्रोशिया बनानी है। फिर से एक चैन लेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन छोड़कर सेकंड वाली चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक चैन लेंगे। देखिए हमने कॉर्नर तक हम ले आए हैं, अब हम क्या करेंगे देखिए मैं बताती हूँ। एक चैन लेंगे, देखिए वापस इसी में डालकर कॉर्नर में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। अब दो चैन लेंगे, सॉरी एक ही चैन लेंगे, वापस इसी में डालकर डबल। अब हम दो चैन लेंगे, वापस इसी में डालकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर से एक चैन लेंगे और वापस इसी में डालकर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो इससे हमारे जो है फंदे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। हमें हर राउंड में ऐसे ही करना है। देखिए फिर से एक चैन लेकर एक चैन छोड़कर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पर देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात, मैंने यहाँ पर टोटल सात राउंड बना लिए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसके मुड्ढे ज्वाइंट करेंगे। देखिए अब हम इसके मुड्ढे ज्वाइंट करेंगे, तो हमने यहाँ पर देखिए चार चैन बनाई है। देखिए चार चैन बनाने के बाद एक चैन छोड़कर सेकंड वाली चैन में डालकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर बीच में एक चैन लेकर एक चैन छोड़ के फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो कॉर्नर तक हमें ऐसे ही बनाना है, फिर आगे मैं आपको बताती हूँ। देखिए कॉर्नर तक हमने बना लिया है, अब हम क्या करेंगे कॉर्नर जोड़ेंगे इस तरीके से, मुद्दे को ज्वाइंट करेंगे डालकर, क्योंकि बीच में डालकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक चैन लेंगे वापस। देखिए अब यहाँ एक चैन छोड़ के सेकंड वाली चैन में डालकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन लेकर एक चैन छोड़कर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमें पूरे राउंड को ऐसे ही कंप्लीट करना है जब तक हम जहाँ तक हमारा कॉर्नर है। देखिए इस तरीके से देखिए यहाँ तक हमें ऐसे ही बनाना है, फिर हम मुड्ढा फिर ये वाला कॉर्नर भी ज्वाइंट कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर आ गए हम एक चैन लेंगे, अब देखिए हम क्या करेंगे इस कॉर्नर में डालकर, अब देखिए इस वाले दोनों कॉर्नर को ज्वाइंट करके एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। दोनों कॉर्नर को जोड़कर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर वापस एक चैन लेंगे और देखिए एक चैन छोड़कर सेकंड वाली चैन में डालकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए हमें ऐसे ही बनाना है, लास्ट में क्या करेंगे जो देखिए फर्स्ट वाली चैन है, देखिए ये जो हमने चार चैन ली थी इसमें देखिए इसके एक चैन छोड़ के सेकंड वाली चैन में डालकर इसको ज्वाइन कर देंगे, स्लिप स्टिच कर देंगे देखिए इस तरीके से। अब क्या करेंगे तीन चैन बनाएंगे, देखिए और वापस से जाली में डालकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो, पर जब आप बनाना स्टार्ट करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा।
आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है। तो देखिए हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, देखिए अब जो पीछे है देखिए यहाँ पर आप बटन पट्टी लगा सकते हैं कुछ भी। अब मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।